जब जैसे हम कोविड सिचुएशन में अभी हैं, हम बाहर नहीं जा सकते, हमारा खुद का एक बबल है और ये लाइट जा चुकी है, बहुत बढ़िया। हाय पलटन, आज के इस रेड द रूम के एपिसोड में हम लोग चेक करने वाले हैं युद्धवीर सिंह चरक का रूम। तो उनको कोई आइडिया नहीं है कि हम आने वाले हैं, हमने उनको एक्चुअली बता रखा है कि उनका कोई इंटरव्यू है। सो लेट्स सी हाउ क्लीन हिज रूम इज़ एंड डज ही ऑफर अस टी और कॉफ़ी, या फिर लंच के लिए ऑफ़र करते हैं या नहीं। लेट्स गो। हेलो भैया, क्या हाल है युद्धवीर? बढ़िया भैया, क्या हाल है काके? हाउ आर यू? कैन वी कम इन? जूते उतार के? नहीं यार भैया, आओ 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 जी आओ। सो युद्धवीर सिंह चरक, आज आप, ये है हमारा एक सीरीज़ एमआईटीवी की, रेड द रूम। तो इसमें हम लोग आपसे आपका रूम चेक करेंगे और आपसे बातें करेंगे रूम के बारे में, और अगर आपको चाय कॉफ़ी कुछ ऑफ़र करनी हो वो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे आप, ठीक है? तो एक चीज़ ये आप हमेशा देखेंगे, हर क्रिकेटर के रूम में एक बैट और एक बॉल ज़रूर मिलेगी। तो युद्धवीर सिंह चरक के रूम में ये बैट बहुत बढ़िया है। तो युद्धवीर, कैसा लगा आपको ये रूम जो हमारा पूरा रिजॉर्ट है? ये पूरी फैसिलिटी अच्छा लगा भैया, क्योंकि इंडिया में ऐसे कम ही रिसॉर्ट होते हैं, मतलब हाँ। हमें तो अलग अलग एक रूम मिला हुआ है, हाँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा व्यू है यहाँ पे देखो, तो मतलब ऐसे ग्रीनरी से पूरे, मतलब रिसॉर्ट में ग्रीनरी है, तो वो एक अच्छे, हर एक इंसान को अच्छा लगता है कि ग्रीनरी होनी चाहिए। अब करेक्ट। तो आओ अब थोड़ा सा युद्धवीर का, हमने जो पिछले एपिसोड करा था, मैं नाम नहीं लूँगा, पर किसी एक प्लेयर के हम कमरे में गए थे और उनका कमरा थोड़ा सा डामाडोल था। तो बट मेरे ख्याल से अगर आप पैन करेंगे अपना कैमरा हर जगह पे, मेरे ख्याल से बहुत ही साफ़ सुथरा कमरा है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड कमरा है क्रिकेटर के हिसाब से। और ये एक एक समझा रहेगा, क्या राज है? ये पहले के पड़े हुए भैया, हिसाब से ना इन्होंने दिए ना कुछ कोई स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि हम कभी भी जनरली, जैसे एक रूम में एक एरिया होता है जहाँ पे आप जनरली, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे 25-30 दिन हम ऑलरेडी स्पेंड करेंगे, तो कोई एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे आप कि प्रैक्टिस से पहले या फिर ग्राउंड जब जाते हो उससे पहले कुछ सोचते हो, कुछ करते हो? तो मैं ये भैया, मैं टॉवल नीचे बिछा के पूजा पाठ यहीं पे करता हूँ। तो बेसिकली आपका ये एरिया है, यहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो अपना, मैं पूजा पाठ और फिर अपने बेड पे ज़्यादा टाइम। और बाहर बैल्कनी का यूज़ करते हो आप? नहीं करते? नहीं करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। तो ये जो बैल्कनी है, बैल्कनी एरिया, आप कब आते हो, बैठते हो? शाम को? नहीं, जब भी टाइम लगे भैया, क्योंकि यहाँ पे धूप तो आती नहीं है, तो जब मन करे फ्रेश हवा लेने की तो बाहर आके बैठ जाता हूँ, टाइम यहीं पे निकल जाता है ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से 2 टाइम्स इन अ रो, 2 कमरे, हम 2 दिन 2 कमरे, और अभी तक चाय कॉफ़ी ऑफर नहीं हुई है क्योंकि इसमें बनाना पड़ेगा अंदर सब कुछ सेटअप अंदर। अच्छा, तो बेसिकली कोई ऐसा बैग है जो आप, मतलब बैग में कोई सामान, कोई स्पेसिफिक पैकिंग वैकिंग, अगर अब हम आपका बैग खोल के देखना चाहें तो क्या वो, उसकी परमिशन मिलेगी? वैसा कुछ नहीं है इतना, बस अपना जो क्रिकेट के सामान है वही रखता हूँ यूजुअली। ये सनस्क्रीन, ओहो अच्छा, ये ओपले, हाँ और ये एयरपोर्ट्स परसों के रखे थे बैग में ही है, कभी भी यूज़ हो सकते हैं। करेक्ट। चलो युद्धवीर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। बिल्कुल, और थैंक यू आप रूम में आने के लिए आपका थैंक यू। तो आज के इस एपिसोड में हमने युद्धवीर का रूम देखा, जो कि मतलब बहुत ही सरप्राइजिंगली बहुत ही साफ़ सुथरा था, एंड मुझे रियलाइज़ पहले कर लेना चाहिए था, बिकॉज़ वो एक बहुत ही रिलीजियस पूजा पाठ वाला आदमी है, तो अपना रूम और अपना एरिया बहुत साफ़ सुथरा रखा हुआ है उसने। तो अब जो कल एपिसोड होगा या फिर अगले दिन जो एपिसोड होगा उसमें देखते हैं किसका रूम कैसा रहेगा।